नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जब बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बीमारी डायग्नोस करने के बाद टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या सिरप या सभी चीजों की कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें कई कैप्सूल को देखकर लगता है कि उनका कवर प्लास्टिक से बना है, कुछ को देखकर लगता है कि उनके कवर सॉफ्ट रबड़ से बने हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि कैप्सूल के कवर किस चीज से बने होते हैं? कभी सोचा है कि इस कवर का शरीर में जाकर क्या होता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आए हैं तो इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। किस चीज से बनाया जाता है कैप्सूल का कवर? दवाई के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल का कवर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से नहीं बना होता। ये कवर दो तरह के होते हैं, पहला हार्ड शेल और दूसरा सॉफ्ट शेल। दोनों ही तरह के कैप्सूल कवर्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही बनाया जाता है। कैप्सूल के दोनों तरह के कवर जानवरों या पेड़ पौधे के प्रोटीन जैसे लिक्विड सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। जिन कैप्सूल के कवर जानवर के प्रोटीन से बने होते हैं उनकी सामग्री जिलेटिन कहलाती है। इसे मुर्गा, मछली, सुअर और गाय व उनकी प्रजाति के बाकी जानवरों की हड्डियां तथा त्वचा को उबाल कर निकाला जाता है। कहां मिलता है कैप्सूल कवर का सेल्यूलोज? कुछ कैप्सूल के कवर पौधे से मिलने वाले प्रोटीन से बनाया जाता है। ये प्रोटीन पौधों की छाल से निकाला जाता है। कैप्सूल के कवर बनाने के लिए इस प्रोटीन को सेल्यूलोज प्रजाति के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जेलेटिन कोलेजन से बनता है। ये रेशेदार पदार्थ जानवरों की हड्डियों में पाया जाता है। जेलेटिन का इस्तेमाल जेली बनाने में भी किया जाता है। शरीर में जाकर क्या होता है कवर का? जैसे कि आप जानते हैं कि कैप्सूल के कवर जेलेटिन और सेल्यूलोज से बने होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जेलेटिन और सेल्यूलोज जानवर और पेड़ पौधे के प्रोटीन से बनता है। साफ है कि जब हम कैप्सूल खाते हैं तो उसका कवर शरीर में जाकर घुल जाता है और दवाई अपने आप काम करना शुरू कर देती है। कवर से मिला प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण देता है, वहीं अतिरिक्त प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।